अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स की में हाल चाल इन उम्मीद करें तो सा ठीक ठाक हो सो खैर नाल हो सो खुश पर वस्ते हो सो। तो तकरीबन सुबह के जो है वो 10 बज चुके हैं और रात को हम गए थे अम्मी के घर और हमने रात वहीं पे गुजारी। जैसे ही सुबह हुई हमने नाश्ता किया और क्योंकि मेरा जाने का वहाँ पे मकसद ये था कि मैंने अम्मी को साथ लेके आना था क्योंकि अम्मी की तबीयत जो है आजकल ठीक नहीं रहती तो उनको जो है मैंने अपने साथ रखना है तो इस वजह से मैं उनको लेने के लिए गई थी। तो वापसी पे जो है अभी हम पहुँचे हैं तो हमने सब्ज़ी ली है बाज़ार से और क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था व्यूअर्स क्योंकि जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं शाम को वापस आती हूँ जब तकरीबन रात को 11-12 बजे, लेकिन आज हम आ रहे थे सुबह 9 बजे वहाँ से जो है हम चले हैं। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि आज हमारा कौन सा टाइम है और वो टाइम थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। बहरहाल हम घर पहुंच गए और आते ही मैंने सफाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं खाना क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और खाना खा के बाद में जो है वो सफाई सफाई का काम करेंगे और साथ में जो है बर्तन वगैरह धोएंगे। तो हमने बाज़ार से कुछ सब्ज़ी ली तो मैंने आज बनाना है व्यूअर्स आलू पालक और कुछ पालक हमने जो है वो साफ़ कर ली है, कुछ मैंने कहा स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में और साथ हमने करेले और टमाटर और आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें ली हैं क्योंकि बाज़ार से आपको पता है व्यूअर्स फ्रेश जो है वो सब्ज़ी मिलती है और यहाँ पे जो बेचने के लिए आते हैं तो काफ़ी जो है वो सब्ज़ी जो है वो बासी होती है और बिल्कुल जो है ख़राब होती है। तो मैंने कहा चलो एक दो दिन की तो स्टोर कर लेते हैं बाकी फिर वही सिस्टम करेंगे क्योंकि ताबीर लोगों के बाबा कल सुबह जो है वो चले जाएंगे तो फिर बाज़ार जाने वाला नहीं होता कोई तो फिर हमें इधर ही से सब्ज़ी जो है वो लेके गुजारा करना पड़ता है। तो ताबीर के हाल देखें और ये जो है कह रही हैं कि मैंने जेली खानी है और जेली इनके बाबा के पास है तो मैं इनको कह रही हूँ कि जाके ले लो, लेकिन नहीं मम्मा आपने देनी है और हमने आपसे लेनी है। तो व्यूवर्स आज क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है अपने न्यू किचन में और आप देख सकते हैं जो मैंने लिपाई की थी क्योंकि उसमें भूसा मैंने बहुत कम डाला था तो इस वजह से थोड़ी सी दराड़ें पड़ गई हैं, लेकिन सफाई के लिए इसको दोबारा जो है हमने लिपाई करनी है। लेकिन आज क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम खाना बनाना था उस किचन में तो आप नए तरीके से जो है वो लकड़ियाँ काटने का तरीका आप देख सकते हैं और कुल्हाड़ी से नहीं ईंटों से जो है वो लकड़ी तोड़ी जा रही है। तो मैंने ताबीर के बाबा से कहा कि आप जल्दी से जो है वो लकड़ियाँ जोड़ के जो है वो चूल्हे के पास रखें और इतने में मैं पालक काट लेती हूँ। आबिया भी साथ में लगी हुई थी क्योंकि आबिया जो है वो आटा वगैरह गूंद रही थी और आबिया ने कहा कि मैंने बनानी है रोटियाँ, मैंने कहा जल्दी से मैं बना लूँगी सालन बाकी काम जो है वो बाद में कर लेंगे। तो मैं जल्दी से पालक काट लेती हूँ व्यूअर्स और आबिया जो है वो आटा गूंद रही है साथ साथ और आप यही रोटियां बनाएगी और मैं जल्दी से बनाऊंगी सालन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ताबीर के बाबा से कहा है कि आप जल्दी से जो है वो क्यारियां बना दें क्योंकि यहाँ पे हमने लगानी है पालक मेथी और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने लगानी हैं, मौसम सरमा की सब्ज़ियाँ और कुछ मूलियाँ और शलजम भी हमने लगाने हैं। तो मैंने कहा जल्दी से आप क्यारियाँ बना लें क्योंकि काफ़ी जो है वो मौसम आगे चला गया और काफ़ी हम जो है वो लेट हो गए हैं। तो वो जो है वो क्यारियाँ बना रहे थे क्योंकि पहले तो मैं ख़ुद बना लेती हूँ लेकिन क्योंकि टाइम जो है इतने जो है आगे चला गया है और लोगों के घर में तो जो लोगों ने काश्त की हुई है यहाँ पे पालक वगैरह तो काफ़ी बड़ी हो गई है, इस मरतबा मेरी सब्ज़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं घर बनाने में थोड़ी सी मसरूफ़ थी तो इस वजह से। और साथ में आप ये जो है वो रोटियां बना रही है और आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यू घर, हमारा न्यू किचन और यहाँ पे हम आज कर रहे हैं बकायदा से आगाज़ क्योंकि आज हमने यहाँ पे सारा जो है वो खाना वगैरह बनाना था। और आज व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसी तरह का मैं किचन चाहती थी कि जहाँ पर बैठ के मैं जो है कुकिंग करूँ और यहाँ पर देखें अभी से जो है वो अब छाँव है और शाम को भी यहाँ पे जो है वो पिछला टाइम का जब हम खाना बनाते हैं शाम का तब भी यहाँ पे छाँव होती है तो छाँव। और रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल थे, हवा चल रही थी कल सुबह से और बादल बहुत ज़्यादा थे तो यहाँ से जब हम गए तो जब हम भक्कर शहर पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी और यकीन जाने व्यूअर्स में इतनी टेंशन में थी, मैंने कहा मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और सारी मेहनत पे पानी फिर गया, वहाँ पे भी बारिश आई होगी और मेरे कलर जो है वो सारे जो है वो ख़राब हो गए। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बारिश आई है व्यूअर्स लेकिन बहुत कम आई है, फिर भी यहाँ पर जो है क्योंकि मिट्टी के ऊपर हमने जो है वो कलर वगैरह किए थे तो इस वजह से थोड़े से ख़राब हो गए हैं। बहरहाल इतनी बारिश नहीं आई थी लेकिन आई ज़रूर है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़े जो है वो ओले वगैरह भी गिरे हैं तो बचाव हो गया व्यूअर्स क्योंकि मैंने कहा चले एक माह तो चल जाए, मेरा जो मैंने शो इतना खूबसूरत बनाया है और इतनी मैंने मेहनत की है चले एक माह भी चल जाए तो काफ़ी है। बहरहाल अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश में और
बारिश, हम ये नहीं कहते कि बारिश ना आए, लेकिन बारिश से भी आपको पता है कि आलूदगी और इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और मौसम जो है वो ज़बरदस्त हो जाता है। बहरहाल ये तो हम कल जो है यहाँ से गए, फिर वहाँ पे जो है क्योंकि मैंने अम्मी को लेना था, अम्मी की तबीयत जो है वो आजकल ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से आज हम सुबह ही निकल आए थे। और क्योंकि हमने थोड़ा बहुत काम करना था, हमने क्यारियाँ बनानी थी, साथ में जो है जहाँ पे मेरा नलका लगा हुआ है मैंने वहाँ पे कहा है कि छोटी सी हौजी बना लेते हैं, क्योंकि मोटर और बाकी सिस्टम जो है काफ़ी दूर है, तो बार बार वहाँ पर हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने करना होता है, खाना वगैरह बनाना होता है, तो इस वजह से नलके को ही चालू करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं अभी हमने बर्तन वगैरह भी सेट करने हैं, क्योंकि अभी हमने बर्तन नहीं धोए थे और किचन को भी बकायदा से मैंने सेट अंदर से नहीं किया, और जैसे ही बर्तन वगैरह हम धोएंगे तो बर्तनों के लिए मैं बाहर जो है वो बनाई हुई है जगह, वहीं पर हम रखेंगे। और अभी जो है क्योंकि आते ही हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, और आप देख रहे होंगे कि रात को जो बारिश आई है उसके निशानात आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बहरहाल झाड़ू भी मैंने बिल्कुल अभी नहीं लगाया, तो मैंने कहा चलें बाद में लगा लेंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था और हवा अभी तक भी चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी वीवर्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीवर सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिया करें जाके, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इस तरह की वीडियो जो आप लोगों को अगर पसंद हैं तो आप लोगों तक बर वक्त जो है वो पहुंचती रहेंगी। तो इसी तरीके से क्योंकि मैं बिल्कुल जो है वो एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ या मैं जो भी कल्चर को प्रमोट करूँ तो वो भी जो है विलेज स्टाइल का हो। और मैं क्योंकि मुझे खुद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों को भी उम्मीद है कि पसंद आती होगी मेरी ये वीडियोस। तो जी, तो व्यूअर्स फाइनली हमारा खाना जो है वो तैयार हो गया है, और अभी जो है हम खाना जो है वो तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि हम टोटली जो है वो आबिया, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी वालदा जो है वो आई हुई है, अम्मी यानी कि, और अम्मी ने आजकल खाना पीना बहुत कम किया हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि इसीलिए मैं साथ लेके आई हूँ, क्योंकि उनकी मैंने केयर करनी है। और जल्दी से जो है वो खाना डिलीवर कर देते हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।